किसी भी देश को उस देश से आने वाला टैक्स का पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी पैसे से गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, देश के सिक्योरिटी को इम्प्रूव करती है और भी कई सारे पॉलिसीज में गवर्नमेंट पैसा यूज़ करती है। तो क्या लगता है आपको, देश के 140 करोड़ पॉपुलेशन में से कितने लोग इनकम टैक्स पे करते होंगे? तो आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में सिर्फ 5 करोड़ 78 लाख लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, और उनमें से भी 4 करोड़ 30 लाख लोगों ने इनकम टैक्स पे नहीं किया था, क्योंकि इनकी इनकम 5 लाख से कम थी। इसका मतलब देश के कुल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% लोगों ने ही इनकम टैक्स पे किया था। तो आप कहोगे कि फिर देश में इनकम टैक्स से इतना कम पैसा आता है, तो फिर बाकी पैसा देश कहाँ से लाता है? तो आपको बता दूं कि इंडिया में मेनली 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जैसे टैक्स आता है, और दूसरा है कि इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें कि सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, या फिर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट को पैसा आता है।